सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर से आ गया हूँ एक फ़ोटो एडिटिंग के साथ। तो आज हम लोग सीखेंगे इस तरह का फ़ोटो एडिटिंग, आप लोग देख ही सकते हो। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं ये टाइप का फ़ोटो एडिटिंग, जो काइट मैनिपुलेशन मैंने टाइटल दिया है, तो आप लोग शायद देखी हो। तो इस टाइप का जो काइट मैनिपुलेशन कैसे करके फोटोशॉप में क्रिएट करना है, तो आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट ना किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, हमारा फोटोशॉप तो इधर ओपन है। तो देखिए, बहुत सारा इमेज मैंने इधर इंपोर्ट करके रखी हूँ, जो जो इमेज हमको चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या करने होगा, एक इस टाइप का एक पोर्ट्रेट साइज का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने होगा। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं इसका साइज कितना है। ओके, तो आप लोग देख ही सकते हो 1086 विथ है एंड हाइट है 1313। ओके, तो इस टाइप का मैंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेंगे। फाइल से न्यू, ओके, न्यू ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स इधर आ गया है। तो विथ हम लोग दे देंगे एंड हाइट भी उस टाइप, उस जो साइज है साइज दे के मैंने क्रिएट ऑप्शन में क्लिक कर दिया। ओके, तो इस टाइप का डॉक्यूमेंट, एक पोर्ट्रेट साइज का डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है। तो हम लोग एक सॉलिड कलर ले लेंगे, जो बेस का ऊपर हम लोग काम करेंगे, तो इसीलिए एक सॉलिड डॉक्यूमेंट मैंने ले लिया है। देन हमको क्या करने होगा, देन देखिए इधर दोनों इमेज, जो बेस इमेज एंड स्काई इमेज को हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्काई इमेज को लेकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे बैकग्राउंड का ऊपर। एंड देखिए, इस वाला पोजीशन हमको इसी टाइप का मैंने इधर एडजस्ट किए हुए। ओके, तो इसके बाद हमको क्या करने होगा, जो स्काई इमेज का ऊपर एक मास्क लेयर क्रिएट कर लेंगे। इधर ग्रेडियंट टूल का हम लोग सिलेक्शन करेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेडियंट हम लोग सिलेक्शन करके इधर देखिए हम लोग इरेज कर देंगे। जो वाटर जो है ना, वाटर हमको नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैंने इरेज कर लिया। देन हमको एक बेस बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए जो ये इधर को देखिए, हमारा बेस मैंने इंपोर्ट करके रखी हूँ, ये वाला इमेज को लेकर हम लोग क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ओके, तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। देन हमको क्या करने होगा, देखिए कंट्रोल टी करके इधर देखिए कंट्रोल प्रेस करके हम लोग थोड़ा सा जो बेस को एडजस्टमेंट कर लेंगे। ओके, तो ऐसे करके हम लोग एडजस्टमेंट कर लिया, देन थोड़ा सा नीचे कर देंगे। ओके, तो इसके बाद एक तो मास्क लेयर हम लोग फिर से अप्लाई करेंगे, ग्रेडियंट टूल सिलेक्शन करेंगे एंड ऊपर वाला पोजीशन हमको नहीं चाहिए, तो ग्रेडियंट टूल देके मैंने इरेज कर दूंगी। ओके, ओके, तो हमारा देखिए इधर बेस लगभग क्रिएट हो गया, और भी थोड़ा सा कलर एडजस्टमेंट करेंगे। तो इस टाइप का देखिए थोड़ा सा और भी हम लोग इरेज कर देंगे। ओके, तो देन हमको क्या करने होगा, एक न्यू लेयर ले लेंगे एंड देखिए इधर जो येलो टाइप का एक कलर मैंने सिलेक्शन कर लिया है। देन ब्रश टूल सिलेक्शन करेंगे, ओपेसिटी हम लोग थोड़ा सा कमा देंगे। देन इधर देखिए थोड़ा सा और भी लाइट हम लोग क्रिएट कर लेंगे, और भी अच्छा लगेगा। ओके, तो इसके बाद थोड़ा सा हम लोग नीचे में ब्लैक ऐड करेंगे, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इधर एक न्यू लेयर मैंने ले लिया है एंड इधर एक ट्रांसपेरेंट और ब्लैक रेडियंट कलर सिलेक्शन करके इधर देखिए थोड़ा सा हम लोग ब्लैक कलर दे देंगे। ओके, तो लेयर टॉप ऑप्शन में मैंने छोड़ दिया है। ओके, आप लोग देख ही सकते हो ब्लैक कलर आ गया है। कंट्रोल दबा के हम लोग थोड़ा सा और भी एडजस्टमेंट करेंगे, तो बेस अच्छा आ जाएगा। ओके, तो इसके बाद ओपेसिटी थोड़ा सा हम लोग कमा देंगे। ओके, तो ऐसे करके हमारा बेस भी क्रिएट हो गया एंड बैकग्राउंड भी क्रिएट हो गया। ओके, बैकग्राउंड हम लोग इस पोजीशन में मैंने रख दिया है। ओके, तो इसके बाद टोटल हमारा बैकग्राउंड तो क्रिएट हो गया। तो इसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट पैनल से ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट में जाऊंगे एंड थोड़ा सा ब्राइटनेस को थोड़ा सा हम लोग कमा देंगे एंड कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ओके, एंड मास्क लेयर सिलेक्शन करके इधर हम लोग थोड़ा सा मिडिल पॉइंट जो है मुझे को थोड़ा सा इरेज कर देंगे, और भी बैकग्राउंड देखिए एट्रैक्टिव क्रिएट हो गया है। ओके, तो बैकग्राउंड तो हमारा क्रिएट हो गया है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मॉडल इमेज को इधर इंपोर्ट करेंगे। तो बैकग्राउंड जो लेयर हुआ है आप लोग देख ही सकते हो, तो 5 लेयर्स इधर हो गया है। तो पूरा लेयर को कीबोर्ड का शिफ्ट दबा के सिलेक्शन करेंगे, कंट्रोल जी करके मैंने ग्रुप कर लिया। ओके, तो ये बैकग्राउंड हम नाम दे देंगे। ओके, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए इधर जो मॉडल है, मॉडल को लेकर, मॉडल को मैंने कट करके ऑलरेडी रखी हूँ, नहीं तो कट करने से टाइम वेस्ट होगा, तो इसीलिए मैंने कट करके रखी हूँ। ओके, तो मॉडल को लेकर इधर हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ओके, तो इसके बाद हमको क्या करने होगा, कीबोर्ड का ऑल्ट प्रेस करके हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। ऐसे करके जो पोजिशन में हमको मॉडल को चाहिए, वो वाला पोजिशन में मॉडल को हम लोग सेट कर देंगे। ओके, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक रिफ्लेक्शन इधर क्रिएट कर देंगे, एक न्यू लेयर ले लेंगे एंड ब्रश टूल का मदद से हम लोग क्या करेंगे, इधर एक रिफ्लेक्शन क्रिएट कर देंगे, थोड़ा सा ब्लैक कर देंगे, जो बेस है बेस को थोड़ा सा ब्लैक कर देंगे। ओके,
तो इसके बाद एक जो मॉडल का एक पीछे में एक मैंने शैडो ऐड करूँगी, तो इसीलिए जो इधर मार्क्स है ना, मार्क्स को अप्लाई कर देंगे कंट्रोल जे करके, कॉपी कर लेंगे। ओके, तो नीचे वाला कॉपी सिलेक्शन करके कंट्रोल प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन हो गया है। एंड टोटल ब्लैक में कन्वर्ट करेंगे होगा, तो इसीलिए फोरग्राउंड कलर ब्लैक है, तो कीबोर्ड का ऑल्ट प्लस बैक स्पेस की मैंने प्रेस किया, देखिए ब्लैक हो गया है। तो कंट्रोल डी करके डी सिलेक्ट कर लिया। देन देखिए इधर जो शैडो हमको क्रिएट करने होगा, कीबोर्ड का कंट्रोल प्रेस करके इधर हम लोग शैडो क्रिएट कर लेंगे। ओके, और भी थोड़ा सा मैंने छोटा कर लेंगे एंड कंट्रोल प्रेस करके ऐसे करके शैडो मैंने क्रिएट कर लिया है। देन ओपेसिटी थोड़ा सा हम लोग कमा देंगे एंड इधर इरेजर टूल ले लेंगे, ओपेसिटी थोड़ा सा कमा देंगे। मैंने डिटेल्स देखिए आप लोग को समझाता हूँ, तो इसीलिए मैंने बोलता हूँ ट्यूटोरियल को पूरा देखो, आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिलेगी ये ट्यूटोरियल से। ओके, तो देखिए शैडो भी क्रिएट हो गया। तो इसके बाद हम लोग जो ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट में जाएंगे मॉडल के ऊपर एंड क्लिप ऐड कर देंगे, ब्राइटनेस थोड़ा सा कमा देंगे, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ओके, तो इसके बाद देखिए जो हमको जिस जो फ्रंट वाला ऑप्शन में लाइट इधर हमको चाहिए, तो ब्रश टूल सिलेक्शन करेंगे, इधर मार्क्स सिलेक्शन करके हमको क्या करना होगा, इधर फ्रंट को जो ऑप्शन देखिए फ्रंट को मैंने कलर को इरेज कर देता हूँ। ओके ओके, तो आप लोग देख ही सकते हो बहुत बढ़िया लुक इधर आ गया है। ओके तो ओके, तो इसके बाद हमको काइट ऐड करने होगा, तो इसीलिए जो काइट इमेज इधर है, तो ये काइट इमेज को लेकर मैंने इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगी। ओके, तो इसके बाद थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ऑल्ट दबा के इस वाला पोजिशन में हम लोग सेट कर देंगे। ओके, तो इसके बाद हमको क्या करना होगा, तो एक स्कूटा हम लोग इधर क्रिएट करेंगे, तो इसीलिए एक न्यू लेयर मैंने क्रिएट कर लूँगी, फोरग्राउंड कलर व्हाइट हमारा रहेगा। ब्रश टूल सिलेक्शन करेंगे एंड जो हार्ड ब्रश हम लोग सिलेक्शन करेंगे, ब्रश थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ये, ठीक है। तो पतंग को जो इधर मैंने जस्ट इधर एक क्लिक किया एंड ए वाला पोजिशन में क्लिक किया। ओके सॉरी, कंट्रोल जेड, ओपेसिटी 100% रहने होगा, तो इधर एक क्रिएट करेंगे, कीबोर्ड का शिफ्ट दबा के इधर एक क्रिएट करेंगे। ओके, तो देखिए इधर एक रोप क्रिएट हो गया है, और भी थोड़ा सा हम लोग देखिए कीबोर्ड का शिफ्ट दबा के हम लोग और भी शुरू कर लेंगे। ओके, तो देखिए इधर जो स्काई का रोप भी हमारा क्रिएट हो गया है। ओके, बहुत अच्छा लगी है, आप लोग देख ही सकते हो। तो इसके बाद बहुत सारा काइट हम लोग ऐड कर लेंगे, तो आप लोग देखते रहे कैसे कैसे मैंने ऐड कर रहा हूँ काइट को। ओके, तो थोड़ा सा ब्लर ऐड कर देंगे और भी अच्छा लगेगा। ओके, तो ऐसे करके थोड़ा सा ब्लर ऐड कर देंगे एंड ए वाला जो काइट को भी थोड़ा सा हम लोग ब्लर ऐड कर देंगे। तो इसके बाद देखिए हमको क्या करना होगा, एक स्मोक इमेज मैंने ऐड कर लूँगी, तो जस्ट हम लोग बैकग्राउंड जो हमारा इमेज का ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, तो थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेंगे एंड इधर ब्लेंड मोड चेंज करके हमको करना होगा स्क्रीन। ओके, तो इस टाइप का मैंने इस वाला पोजिशन मैंने सेट कर लिया। ओके, तो थोड़ा सा मैंने छोटा कर लूँगी। ओके, तो ये वाला मैंने स्मोक भी ऐड कर लिया। तो इसके बाद थोड़ा सा कलर एडजस्टमेंट करने से हमारा इमेज कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कलर जो हमारा जाएंगे फोटो फिल्टर में, फोटो फिल्टर में जाने के बाद देखिए इधर जो कलर कूलिंग फिल्टर है ना, कूलिंग फिल्टर ऐड कर देंगे एंड देखिए इधर जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर को मैंने जस्ट ए वाला येलो टोन मैंने सिलेक्शन कर लूँगी। ओके, तो ए वाला कलर ले लिया, तो देखिए हमारा थोड़ा सा कलर का थोड़ा सा चेंज हो गया, आप लोग देख ही सकते हो बहुत अच्छा कलर आ गया है। तो इसके बाद हम लोग कलर बैलेंस में जाएंगे, कलर बैलेंस में थोड़ा सा कलर को एडजस्टमेंट करेंगे। ओके ओके, एंड थोड़ा सा हम लोग ब्राइटनेस भी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा ब्राइटनेस कमा देंगे एंड कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ओके, तो ऐसे करके कलर करेक्शन हो गया। तो लास्ट में हम लोग कैमरा रॉ फिल्टर ऐड करेंगे, एक न्यू लेयर ले लेंगे, कीबोर्ड का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस ई मैंने प्रेस किया, मार्ज इमेज हो गया, देन फिल्टर, देन कैमरा रॉ फिल्टर। ओके, तो कैमरा रॉ फिल्टर में जाके थोड़ा सा हाइलाइट शैडो एंड व्हाइट टोन ब्लैक टोन ऐसे करके हम लोग एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो देखिए फाइनल आउटपुट हमारा इधर आ गया है। थोड़ा सा इमेज को और भी क्लैरिटी देने के लिए हमको चाहिए फिल्टर, देन आदर सॉरी देन शार्पन, देन आंसर मार्क्स। ओके, तो अमाउंट रेडियस थ्रेशोल्ड देके मैंने ओके किया। ओके गाइस, आप लोग देख सकते हो फाइनल आउटपुट हमारा इधर क्रिएट हो गया है, बिफोर इमेज था। देखिए कलर करेक्शन करने के बाद देखिए इस टाइप का लुक आ गया है। ओके, तो देखिए इस टाइप का काइट मैनिपुलेशन कैसे मैंने क्रिएट किया, आप लोग देखी हो तो आप भी
क्रिएट कर सकते हो। ओके सो गाइज, आई होप कि ट्यूटोरियल आप लोग का पसंद आई होगा, वीडियो आप लोग का पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करो, हमको थोड़ा सा मोटिवेट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करो, क्योंकि बहुत सारा फोटो एडिटिंग आने वाला है। एंड जरूर जरूर एक कमेंट करके बोलो वीडियो के जो ट्यूटोरियल फोटो एडिटिंग कैसे लगा है, और जरूर शेयर करो आपका फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, वो भी सीख पाए एंड वो भी देख पाए। ओके तो चलिए फिर मिलते हैं न्यू फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।